मैं आज आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाना चाहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। पहला, झूठ बोलना। हमें बचपन में सिखाया जाता था स्कूल कॉलेज या ट्यूशन कहीं पर भी कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, प्रॉब्लम आगे आ जाती है। लेकिन आज देखें तो 90% लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के ऊपर ही सब कुछ कार्य हो रहा है। हमने देखा है कि 90% लोग झूठ की बुनियाद पर रिश्ते बनाते हैं और झूठ की बुनियाद पर रिश्ते तोड़ भी देते हैं। नंबर 2, पैसे की धारणा। हमें सिखाया जाता है कि पैसे ऊपर नहीं जाते। बड़े बड़े प्रवचन, गुरु, महात्मा और माता पिता, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग हमें सिखाते हैं पैसा हमारे साथ कभी नहीं जाता, पैसे को महत्व मत दो, लोगों को महत्व दो। लेकिन वो अपना आप महत्व देते हैं। प्रवचन देने वाले लोग, गुरु, एक एक प्रवचन के 1,00,000 रुपए ले लेते हैं और बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं आता। पैसे सबसे ऊपर होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पैसे के लिए लोग कत्ल कर देते हैं, संबंधों को तोड़ देते हैं। आजकल पैसों के लिए हर गैरकानूनी काम हो रहा है। नंबर 3, लड़की। लोग बोलते हैं लड़की की इज्जत करना चाहिए, लड़कियों की आबादी पुरुषों से कम है, फिर भी लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती। बड़े लोग कहते हैं इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो, लेकिन लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती। वही बड़े लोग जो बोलते हैं लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, वही बड़े लोग लड़कियों को पंचों की तरह पिंजरे में डाल देते हैं। 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो लड़कियों को जूती, पैर की जूती के समान समझते हैं। एंड नंबर 4, गंदी चीज़ें देखना या इधर उधर गंदी संगति का असर। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अच्छी संगति में रहना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गलत लोगों की संगति में रहते हैं और वो संगति को छोड़ नहीं पाते। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और दूसरों को भी सोचते हैं, वो उस दूसरे लोगों को भी सोचते हैं कि हमारे आसपास आके रहने लगे। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होते देर नहीं लगेगी।